कौन सा लिंग बेहतर, खतना किया हुआ या बिना खतना किया हुआ, इसके बारे में आज बातचीत करने वालों। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। काफ़ी लोग खतना कर लेते हैं, मतलब पेनिस के ऊपर जो सामने स्किन आता है, फोर स्किन, वो स्किन आगे पीछे होते रहता है, तो वो स्किन कट करते हैं। एक तो वो पीछे होता ही नहीं है, समझो पैक हुआ है, तो वो कट करना तो जरूरी है क्योंकि आगे चल के तकलीफ देगा। कोई लोग आराम से पीछे होता है मगर तभी भी वो खतना कर लेते हैं। कुछ धर्म भी ऐसा है धर्मों में कि वो खतना करना ही पड़ता है बचपन में। तो फिर ये खतना करने से क्या सेक्सुअल फंक्शन में उसका परिणाम होता है, दुष्परिणाम होता है? तो स्टडीज अनेक है, उसमें ऐसा बताया गया है कि खतना करने से या सर्कमसीजन करने से सेक्स के ऊपर कुछ भी परिणाम होता नहीं है। नुकसान भी होता नहीं, फायदा भी होता नहीं। उल्टा फायदा ऐसा होता है कि स्किन जो बाहर ऐसा सामने आता है वो यदि कट कर दिया तो रोज रोज साफ करने की जरूरत नहीं है। तो रोज साफ करने की जरूरत नहीं है तो इन्फेक्शन के कम चांसेस है। अदरवाइज जिनका सामने स्किन आता है उनको रोज स्नान करने के समय लिंग का जो स्किन है वो पीछे करना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए उसको। वहाँ स्मेग्मा जमा होता है, सफ़ेद पार्टिकल जमा होते हैं, वो धोना चाहिए। तो ऐसा रोज करना जरूरी है। उन्होंने स्टडीज जो किया है वो लोगों ने ये भी बताया कि भाई यदि आप खतना करते हैं तो आपको HIV के इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो वो भी एक है फायदा रखने का। स्किन ऐसा है कि स्किन के सामने ऐसा जैसे स्किन रहता है पेनिस के ऊपर तो जरा पेनिस मोटा दिखता है दिखने में, तो उसका समाधान होता है व्यक्ति का, नहीं अपना मोटा है, अदरवाइज वैसा उसका कोई फायदा है नहीं। तो खतना करना या नहीं करना अपना अपना धर्म, अपना अपना विचार है। उसमें सेक्स में फायदा नुकसान ऐसा कुछ भी होता नहीं है। उल्टा होगा तो सेक्स में नहीं फायदा नुकसान मगर बाकी फायदा होता है, इन्फेक्शन डेफिनेटली कम होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।